क्वेश्चन नंबर 55 दोनों पार्ट्स करूंगा मैं, आराम से ध्यान से देखना। अब चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं, अब कुछ भी आएगा ना वो रिपीट ही हो रहा होगा। मैंने आपको पेड अप वैल्यू वाली बात बता दी, मैंने आपको प्रीमियम बता दिया, मैंने व्हेन ऑल द शेयर्स आर ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड वो बता दिया, और मैंने आपको बता दिया कि जब रीइश्यू की टोटल वैल्यू गिवन है, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 39,000 रुपीज, सब कुछ बता दिया। अब कुछ भी नया नहीं आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। अब होगी रेपिटेशन। तो मजा तब आता है कि रेपिटेशन अगर हुई और आप अपने आप कर पाए तो मजा आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इतनी बातें करने का। क्वेश्चन नंबर 55। डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 जनवरी 2010, कलर कुछ नया लाते हैं, चल ऑरेंज लाते हैं, काफी टाइम हो गया ऑरेंज। 1 जनवरी 2010 दैट 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 पेड अप, बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। सिमिलर चीज हम कर चुके हैं, शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 8 पेड अप मतलब वो ₹8 दे चुके हैं, ₹2 उन्होंने नहीं दिए, फिर वो रीश्योर है। मैं कह रहा हूँ उसकी कहानी मत पढ़ो, पहले फोरफीचर कर दो। तो 2010 जनवरी 1 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं, 100 और ₹10 का एक शेयर, 1000 इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स एंड एरियर्स, कितने पैसे नहीं दिए, ₹2 नहीं दिए, 200, टू शेयर फॉर फ्यूचर, बाकी ₹800 मिल गए। ओके, ऑन 1 फरवरी 60 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 100 शेयर फॉरफिट हुए, 60 रीइश्यू हो रहे हैं, ₹8, 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो अमित आशा बेटा कितने का शेयर, कितने में रीइश्यू हो रहा है, आराम से टेक योर टाइम। शेयर्स वर रीइश्यूड ₹8, 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो कितने का शेयर, कितने में रीइश्यू हो रहा है अमित आशा, 10 का 7 में, गुड, बिल्कुल करेक्ट। कब रीइश्यू हो रहे हैं, 1 फरवरी, ध्यान से देखना, फरवरी 1, जितने का रीइश्यू प्राइस है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 10 का 7 में तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स, 60, 10 तो 600, 7, 7, 6 420, 6, 3, ₹3 डिस्काउंट, 180, 60 ऑफ दीज शेयर्स 100 पे। तो अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, एंट्री तो कभी चेंज होगी नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशंस देखना ध्यान से, यहीं पे कर देता हूं। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फोरफीटेड ऑन 60 शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो अगर 100 शेयर्स पे 800 फोरफीट हुआ है, तो 60 पे कितना हुआ होगा, 480, ठीक है ना, और डिस्काउंट कितना दिया आपने, 180, तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 300। कोई डाउट,
क्लियर? तो केस वन कैपिटल रिजर्व 300, केस टू भी कर देता हूं, कहीं तुम लोग बुरा ना मान जाओ, खाना ना खाओ फिर गुस्से में। कॉपी कर लेना आराम से, कोई टेंशन नहीं। वीरेंद्र लिमिटेड फोरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 60 कॉल्ड अप, कंपनी ने अभी 60 ही मांगे थे, इशूड एट पार टू मुकेश ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर। कंपनी ने कितने मांगे? 60। लोगों ने कितने दिए? 20। तो एरियर्स कितने हैं? 40। 60 कॉल्ड अप कंपनी ने मांगे, महेश मुकेश ने सिर्फ 20 पर शेयर दिए, तो मतलब 40 पर शेयर नहीं दिए। यस और नो? आउट ऑफ दीज, ठीक है जी, वो तो बात की बात है, पहले फोरफीट तो कर लें। कोई डेट मेंशन्ड है? नहीं है। तो ये पार्ट वन है। ये पार्ट टू है। पार्ट टू, फोरफीटेड 20 शेयर्स, 20 रुपए मिले, 40 नहीं मिले। शेयर कैपिटल चेक कर लेते हैं, इक्विटी है या कुछ नहीं है? कुछ मेंशन नहीं, तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर। ध्यान रखना यार, जहां भी इक्विटी शेयर है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना। 20 शेयर्स, 20 शेयर, 60 कॉल्ड अप, 6 टू जा 1200। एरियर्स 40 रुपीज, एरियर्स 40 रुपीज, 4 टू जा 800। फॉर फ्यूचर 20 रुपए दिए, 200 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। अब क्या हुआ? आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजीव एज 60 पेड अप फॉर रुपीज 45 पर शेयर। रेपिटेशन, तो बताओ बेटा भव्या, कितने का शेयर कितने में रीइशू हो रहा है? शेयर्स पर रीइशू टू संजीव, किसको रीइशू हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या ध्यान देने वाली बात है? कितने का शेयर कितने में रीइशू हुआ? तो शेयर्स पर रीइशू टू संजीव एज 60 पेड अप फॉर रुपीज 45 पर शेयर। 60 का 45 में, गुड, करेक्ट। तो पेड अप जहां लिखा है तो वो एक्चुअल वर्थ हो जाएगी, 60 पेड अप फॉर रुपीज 45 पर शेयर, वो हो जाएगा री इशू प्राइस 60 का 45 में, 15 शेयर्स। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 15 शेयर्स 45 में, 15 इंटू 45, डिस्काउंट दिया 15 रुपए, 60 पेड अप, तो फेस वैल्यू क्या ले लेंगे? 60, 15 इंटू 60 900, 15 फाइव जा 225, तो कितना हो जाएगा? 675। फिर कैलकुलेट करेंगे हम। अब आप बताओ अमिताशा, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फोरफीटेड ऑन, अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यू। तो कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे? टोटल शेयर्स फोरफीट हुए थे 20,
शेयर्स रीइश्यू हो रहे 15, तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 15 शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 15 शेयर्स, 20 शेयर्स पे कितना फॉरफिट हुआ था 400, तो 20 पर शेयर, तो 15 शेयर्स पे कितना फॉरफिट हुआ होगा, आप ये भी कर सकते हो 15/20 × 400, या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जब गिवन ही है कि 20 पर शेयर है तो 15 × 20 आएगा, तो दोनों केसेस में ही 300। कोई डाउट? 300 फॉरफिट हुआ था, डिस्काउंट कितना दिया, कोई डिस्काउंट दिया री इश्यू पे? हेमंग कितना डिस्काउंट दिया, तेज बोलो, 225, जो डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट किया हुआ हमने, तो 225 का डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट कितना है 75। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, फॉर फ्यूचर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इश्यूड। बट इस कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं अनुष्का, बहुत बार, पहले एग्जांपल्स क्रिएट करके कराए, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अब तक परफेक्शन आ जानी चाहिए बेटा, पर्पस वही है, इतना जो एफर्ट मारा जा रहा है इसलिए कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट छप चुका होना चाहिए। इजी है, मुश्किल नहीं है।